हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवांशी फैशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बैग डिज़ाइन बनाना बताया था। इस बैग डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो का फुल ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हो। और आज मैं इसके फ्रंट हिस्सा बनाना आपको बताऊँगी। तो हम यहाँ पर फोर टेस्क ब्लाउज बना रहे हैं, 32 साइज के अंदर फोर टेस्क ब्लाउज। तो हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, शोल्डर हम यहाँ पर ले रहे हैं 6 इंच, और यहाँ पर हम इसमें आर्म होल भी ले रहे हैं 6 इंच। मैंने बैक हिस्सा बॉट नेक बनाया था, तो इस वजह से हमें फ्रंट हिस्सा भी बॉट नेक के अकॉर्डिंग लेना है। तो 6 इंच मैंने शॉल ले लिया और 6.5 इंच मैंने आर्म होल ली है। और 32 साइज है, तो इसका मैंने फोर्थ भाग लिया 8 इंच, और 2 इंच मैंने इसके अंदर मार्जिन का प्लस किया है। इसके अंदर सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ हम यहाँ पर लेंगे जो भी हमारी बैक साइड है उस लेंथ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारी वहाँ पर बैक साइड में जो लेंथ थी वो थी 14.5 इंच, तो मैंने उसमें 2 इंच ऐड करके और मैंने यहाँ पर 16.5 इंच ली है। और यहाँ पर हम इसमें यहाँ पे हम इसमें कमर का भी फोर्थ भाग लेंगे। कमर थी में 28 का फोर्थ भाग 7 इंच, 2 इंच मार्जिन का और 1 इंच टस्क का लिया है। और ऊपर से भी हमें 1/2 इंच लेना है, क्योंकि हम यहाँ ऊपर से भी इसमें टस्क भरेंगे, इसलिए हमें चेस्ट की तरफ भी हमें लेना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पर हम इसे 1 इंच से इसको आर्म होल को गोलाई देंगे। 1 इंच से हमने आर्म होल को गोलाई दे दी है। और यहाँ से हम इसमें नेक लेंगे, नेक हम ले रहे हैं यहाँ पर 4 इंच, और लेंथ ले रहे हैं हम यहाँ पर 6.5 इंच, और एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से चौकोर नेक की बना रहे हैं। नीचे से अब हम लेंगे इसमें बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए हम आगे से तो 3 इंच लेंगे, और पीछे से हमें यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाना है। आगे से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बेल्ट के लिए, गोलाई के लिए, और पीछे से हमें 2.5 इंच लेना है और आगे से 3 इंच लेना है। और इस तरह से हम इसको मिला लेंगे इन सारे डॉट्स को, और डॉट्स को मिलाते हुए हम इस तरह से बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। और ये हमारी बेल्ट की मार्किंग भी हो गई है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है, ये हमारे ऊपर वाले हिस्से की भी कटिंग हो गई और बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। और अब इनकी कटिंग हम हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे। हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है चारों तरफ से, ताकि अगर कोई फैब्रिक छोटा बड़ा भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। और फिर जो भी हमारा एक्स्ट्रा रहता है उसकी हम जब सिलाई करते हैं तब कटिंग कर देते हैं। तो हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और फिर कटिंग करनी है मेन फैब्रिक की। ये हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है, और ये हमारे ऊपर वाले हिस्से की भी कटिंग हो गई। इस तरह से हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। और अब हम इस तरह से तैयार करेंगे हमारे फ्रंट हिस्से के ऊपर वाले भाग को तैयार करेंगे। तो हमें सबसे पहले इनको एक दूसरे के अपोजिट साइड रखना है। और हमारा जो सीधा वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाएगा, जो उल्टा वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखकर वो लाइनिंग से अटैच करनी है। इस तरह से जो सीधा वाला हिस्सा है वो नीचे जाएगा, और जो उल्टा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखकर वो लाइनिंग से अटैच करना है हमें। ये हमने इसमें चारों तरफ सिलाई लगा के लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच कर लिया है। और अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है, और इसी तरीके से हमें दूसरा वाला हिस्सा भी तैयार करना है। मैंने यहाँ दोनों हिस्से तैयार कर दिए हैं, हमने यहाँ पे दोनों हिस्से तैयार कर दिए हैं। और अब हम इसमें टस्क पे निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे टस्क विड्थ, और लेंथ लेंगे हम यहाँ पर 10 इंच,
हम यहाँ पे 10 इंच ले रहे हैं लेंथ और टस्क विथ 4 इंच, और नीचे से हम यहाँ पे 1.5 इंच का गेप देंगे, साइड से हमें 1.25 इंच यानी 1.25 इंच का गेप देना है, और दोनों तरफ से जो दो टस्क हैं वो हम 2-2 इंच के गेप से लगाएंगे। ये हमने चारों टस्क पे निशान लगा दिया है और इनको हम डार्क कर लेंगे। और अब दूसरे वाले हिस्से पर हम इसमें इसको हल्के हल्के प्रेस कर देंगे। अब ये दूसरे वाले हिस्से पे भी इस तरह से निशान आ गए हैं टस्क के, और इन पे भी हम निशान लगा लेंगे टस्क के। और अब हम यहाँ पर इन दोनों के अंदर हमें टस्क भरना है। ये हमने दोनों हिस्से के अंदर टस्क भर दिए हैं, दोनों जो हमारे फ्रंट हिस्से हैं उनमें हमने टस्क भर दिए हैं। और नीचे अब हम इसमें बेल्ट को तैयार करेंगे, तो बेल्ट को भी हमें एक दूसरे के अपोजिट साइड में रखना है, एक दूसरे के आमने सामने रखना है इनको, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए हमें एक दूसरे के सामने रखना है। और फिर इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे, और जैसे हमने ऊपर वाले हिस्से को अटैच किया सेम हमें वैसे ही लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है, और अब हम ये दोनों हमने दोनों बेल्ट तैयार कर लिए इस तरह से, और हमें फ्रंट हिस्से में अटैच करना है, तो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से रखकर इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें बेल्ट अटैच कर देना है हमारे फ्रंट हिस्से में। ये हमने इसमें अटैच कर दिया है, और इसके ऊपर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है बेल्ट, उसकी कटिंग कर देंगे। और ये हमारे इस तरह से मैंने दोनों हिस्सों के अंदर बेल्ट अटैच कर दिया है, और अब हम इसमें नेक को तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हमारे पेपर पेस्टिंग के ऊपर करेंगे। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें रखना है इस तरह से, और इस तरह से रखकर हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे हमारी नेक को। ये हमने ड्रॉ कर लिया है, और हमें थोड़ा पीछे की तरफ से एक्स्ट्रा लेते हुए और फिर कट करना है। ये हमारे नेक की कटिंग भी कर ली हमने हमारे पेपर पेस्टिंग के ऊपर, और ये इस तरह से हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब इसकी कटिंग, इस पेपर पेस्टिंग की कटिंग हम हमारी लाइनिंग के ऊपर करेंगे। ये हमने डबल लिया है फैब्रिक, और इस तरह से लेकर, और इस पहले तो हम इसको ऑल पिन से अटैच कर देंगे। ऑल पिन से सेट करने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आगे से तो हमें बिल्कुल सेम टू सेम कटिंग करनी है, और पीछे से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और फिर कट करना है। ये मैंने पीछे से तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया, और आगे से सेम टू सेम कटिंग की है। और अब हम हमारी लाइनिंग और पेपर पेस्टिंग को अटैच करेंगे। ये हमें पीछे वाले जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हम फोल्ड करके और फिर सिलाई लगाएंगे।
ये हमने इसमें फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और अब जो हमारा आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा है लाइनिंग है उसकी कटिंग कर लेंगे हम। और इसी तरीके से हमें दोनों जो हमने नेक की कटिंग की है दोनों नेक को हमें इसी तरीके से तैयार करना है। ये हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं इस तरह से। और अब हम इनको हमारे ब्लाउज पे अटैच करेंगे, तो हम यहाँ पर इस तरह से रख कर और इसमें सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें नेक को इस तरह से रख कर इसको ऑल पिन से अटैच कर लेंगे ताकि सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो पहले तो हमें नेक को इस तरह से रख के और ऑल पिन से अटैच कर लेनी है और फिर इसके बाद में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगाई है वहाँ में इसमें कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे से। ये हमने इसमें कट्स लगा लिए हैं और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है हमें इसको। ये हमने फोल्ड कर दिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से मैंने दोनों हिस्सों के अंदर इसमें नेक अटैच कर दी है। दोनों हिस्सों में नेक अटैच कर दी है और अब हम इसमें यहाँ पर आई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो जिस हमें इसमें दोनों के अंदर आई हुक की पट्टी लगानी है। ये मैंने आई हुक की पट्टी अटैच कर दी है इसके अंदर। एक मैंने नीचे की तरफ करी है, एक ऊपर की तरफ करी है। तो इस तरह से हमें आई हुक की पट्टी अटैच करनी है और ये हमारा फ्रंट हिस्सा तैयार है। ये हमारा इस तरह से फ्रंट हिस्सा तैयार है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।